for all the garma garam Bollywood gossip news and more. Download the Zoom app now. मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलोड्रामा वाले ट्विस्ट से। एक तरफ जहां नागिन 2 में शिवांगी का अपनी मां शिवान्या की मौत का बदला लेने से कहानी में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, तो वहीं दूसरी तरफ शक्ति की सौम्या गुंडों के बीच फंस गई है, जिससे अब देखने मिलेगा ढेर सारे ट्विस्ट का टॉप अप। एक तरफ जहां सीरियल साथिया में उर्वशी के गोपी पर हाथ उठाने से उर्वशी और कोकिला में हो गई है टक्कर, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी हाउस में सरोगसी लेडी के चलते मीरा के सामने आ खड़ी हुई है नई मुसीबत। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल भाभी जी घर पर हैं की अंगूरी भाभी यानी कि टीवी स्टार शुभांगी आत्रे, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया कैद भाभी जी के घर पर नहीं बल्कि कहीं और एक नन्ही बच्ची के साथ शूटिंग करते हुए, जिसकी एक्सक्लूसिव झलक जूम लेकर आया है खास आपके लिए। फर्स्ट ऑन जूम शुभांगी आत्रे ने किया खुलासा अपने स्पेशल शूट के बारे में और बताया अपना एक्सपीरियंस भी। हाँ, ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है जब आप रोज़ हम लोग करते हैं भाभी जी घर पर हैं और एक एकदम अलग लुक में, अलग एक्सेंट में, भोजपुरी एक्सेंट में बात करते हैं, और जब फिर एक ऐसा कोई नया शूट आता है तो बहुत उस दिन एक अलग एक्सपीरियंस होता है और बहुत मज़ा भी आता है। नए नए लोगों के साथ, टीम के साथ आप काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब लोग आप पर इतना बिलीव करते हैं कि आप उनके प्रोडक्ट के लिए, आपका चेहरा एकदम सही है या लोग आपकी बातों से कन्विंस होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही खुशी की और मेरे लिए ऑनर की बात है कि अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि व्यूअर्स मेरे कहने से अगर इस प्रोडक्ट को, ऑफ कोर्स इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, तो दिस इज रियली आई एम रियली हैप्पी। जूम से एक्सक्लूसिवली बातें करते हुए शुभांगी ने मिलाया अपने इस एड शूट के डायरेक्टर से भी, जिन्होंने की शुभांगी के काम की तारीफ भी। बगल में मेरे डायरेक्टर साहब खड़े हैं सिद्धांत। हाय, और दिस इज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद शुभांगी, और बहुत मजा आ रहा है, और बहुत कोऑपरेटिव आर्टिस्ट है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल भी जानती है, और मतलब कम्प्लीटली जो मुझे चाहिए कि ये फील है, ये है, वो है, मतलब कम्प्लीटली मज़ा आ रहा है काम करने में। वेल, सीरियल में अंगूरी भाभी यानी कि टीवी स्टार शुभांगी आत्रे ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के जरिए जीता है अपने फैंस का दिल, और अब शुभांगी आत्रे नजर आएंगी ब्रांड को एंडोर्स करते हुए। सीरियल नागिन 2 में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जहां शिवांगी लेने जा रही हैं अपनी मां शिवान्या की मौत का बदला। शिवांगी ने कसम खाई है अपनी मां के सभी कातिलों को जान से मारने की, और अब उसने इसकी शुरुआत की है अमर के साथ। शिवांगी अमर को किसी तरह मंदिर में बुलाती है, अमर आ तो जाता है पर शिवांगी को नागिन अवतार में देख डर जाता है, और फिर शिवांगी कर देती है अमर पर जानलेवा हमला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिवांगी अब बन चुकी हैं नागिन, तो अब उसे शो में नागिन अवतार में दिखाना पड़ेगा। अब उसे नागिन कैसे दिखाएंगे, इसको जानने के लिए देख लीजिए कैमरा के पीछे की ये तस्वीर, जहां शिवांगी यानी कि मोनी रॉय को आधी नागिन बनाया गया है। उसकी हाफ बॉडी पर क्रोमा वाला ग्रीन कपड़ा बांधा गया है ताकि इसको ग्राफिक्स से नागिन की बॉडी बना दिया जाए, और स्क्रीन पर शिवांगी का आधी इंसान और आधी नागिन का अवतार दिख पाए। आगे देखिए आज का बोनस धमाका, कौन है इश्कबाज की अनिका का रियल लाइफ लव। सीरियल शक्ति की सौम्या गुंडों के बीच फंस गई हैं। मुसीबतें तो सौम्या की जिंदगी से कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हमने आपको दिखाया था कि सौम्या हो गई थी किडनैप, अब वो किडनैप होकर एक ऐसी जगह पहुंच गई हैं जहां लड़कियों को बेचा जाता है। अब ये गुंडे सौम्या की भी नीलामी की बात कर रहे हैं।
सौम्या का किडनैप होने के बाद उसकी नीलामी के लिए यहाँ लाया गया और गुंडे उसको बता रहे थे कि आपको हॉट लगना होगा ताकि लोग आपको खरीद सके। जब सारी लड़कियों को ये बताया जा रहा था और नीलामी के लिए ले जाया जा रहा था, तब सौम्या मौका देख कर वहाँ से हो जाती है रफू चक्कर। अपनी जान बचा कर सौम्या भागती है, तभी गुंडे उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल साथ निभाना साथिया में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का तड़का, जब फिर एक बार गोपिका कवच बन गई है कोकिला और इस बार उर्वशी ने कर दी है अपनी हद पार और उठा लिया है गोपी पर हाथ। पर अपनी गोपी बहू की रक्षा में आगे आई है कोकिला और रोक लिया है कोकिला ने उर्वशी का हाथ। दरअसल गोपी के हाथ लगा है राधिका के खिलाफ सबूत। जी हाँ, गोपी को मिला है एक पोस्टर जिस पर है राधिका की वांटेड तस्वीर। और जब गोपी ने सबको घर में बताया इस बारे में कि राधिका है एक चोर और है पुलिस लिस्ट में वांटेड, लेकिन कहानी में आएगा ट्विस्ट जब राधिका पलट देगी गोपी की चाल और राधिका की बात पर विश्वास करके उर्वशी को आएगा गुस्सा और वो गोपी पर उठाएगी हाथ, पर बीच में आ जाएगी कोकिला। लेटर ऑन द शो, प्रेम संग कैसे किया सिमर ने डांस। एक तरफ जहां राधिका के इस पोस्टर वाले न्यू ट्विस्ट से आ गया है नया मोड़, वहीं इस पूरे मामले में कोकिला ने ना सिर्फ उर्वशी को डांटा पर गोपी को भी दे दी वार्निंग जग्गी की शादी से दूर रहने की। अब ऐसे में देखना ये होगा कि गोपी कोकिला की बात मानती है या नहीं और दूसरी तरफ राधिका की सच्चाई घर वालों के सामने कैसे ला पाती है, क्योंकि मोदी हाउस में राधिका की पूरी ठग गैंग मौजूद है। यहां तक कि राधिका का बॉयफ्रेंड भी वीना बेन बनकर राधिका के साथ रह रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतना सारा गोलमाल करके राधिका कैसे मोदी हाउस से माल साफ कर पाएगी। सीरियल साथिया में आ गया है नया मोड़, जब गौरा हाउस में मौजूद सरोगसी लेडी ने उल्टी चाल चली और शुरू किया है नया ड्रामा और वो कर रही है विद्या और मीरा को ब्लैकमेल। जी हाँ, मीरा के बच्चे की मां बनने वाली सरोगसी लेडी ने दिखाया अपना रंग और वो गौरा हाउस में महारानी बनने का देखने लगी ख्वाब और सुनाने लगी मीरा विद्या को अनोखा फरमान कि अगर मीरा और विद्या ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी सेवा नहीं की तो वो मीरा के होने वाले सरोगसी बच्चे को पेट में ही मार डालेगी। पहले तो मीरा और विद्या ने इग्नोर किया, लेकिन तभी उस सरोगसी लेडी ने की दवा खाने की कोशिश, जिसके बाद मीरा हो जाती है तैयार उसकी सभी बात मानने के लिए और अगले ही पल मीरा उस सरोगसी लेडी के पैरों में गिड़गिड़ाती नजर आई। वल अब देखना दिलचस्प होगा कि हमेशा दूसरों की नाक में दम करने वाली मीरा अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हैं। ससुराल सिमरका में इन दिनों छाई है खुशियां अंजलि की होने वाली शादी को लेकर और इसी के चलते अंजलि के संगीत सेरेमनी में सिमर भी अपनी बेटी की संगीत में लगा रही हैं ठुमके, वो भी अपने होने वाले दामाद और अपने प्रेम के साथ, जहां तीनों एक साथ थिरकते नजर आए। जी मैं रेडी नहीं था, ये पूरे परिवार ने थोड़ा सा और सिमर ने स्पेशली ये बोला कि समधी लोग बैठे हुए हैं, सो वी हैव टू यू नो बिहेव नाइसली इन फ्रंट ऑफ देम, सो आई फाइनली गॉट रेडी टू डांस एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सीक्वेंस। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि सीरियल ससुराल सिमर का में खुद की संगीत में क्यों शराब पीकर झूम रही हैं अंजलि और फिर कैसे इस पूरे सिचुएशन को संभालता है अंजलि का होने वाला हस्बैंड विक्रम और कैसे अंजलि को बाहों में उठाकर कर रहा है रोमांस। जब मैंने पी तो इन्होंने मुझे संभाला है और मैं तो लहरा रही थी, बट ही मेड आर डांस वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स मेरी जो नशे वाली अदाएं थी। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। एक तरफ जब सिमर प्रेम अंजलि ने दिखाया अपने डांस का दम, वहीं दूसरी तरफ सिमर के बेटे पीयूष भी नजर आए बहन की संगीत में जमकर डांस करते हुए। अंजलि की संगीत में है सभी सज धज कर तैयार और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सभी दिखा रहे हैं अपने फैशन का दम, प्रेम सिमर अंजलि और विक्रम। मैं इसके लिए एक्चुअली स्पेशल थैंक्स अपनी डिज़ाइनर को करना चाहूँगी जो कि निधि हैं। थैंक यू सो मच निधि, यू मेड मी लुक सो प्रिटी। ये पूरा उन्हीं की देन है, उन्होंने ही कलर चूज़ किया, सब कुछ उन्होंने ही किया, सो या आई जस्ट वोन इट।
एक तरफ भारद्वाज परिवार में सभी अंजलि के संगीत में झूम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी डांस मस्ती के बाद आएगा नया ट्विस्ट, जब वैदेही पीयूष के इसी डांस के बाद विक्रम करेगा वैदेही को किडनैप। क्योंकि मुझे पता है कि विक्रम ही वही बंदा है जिसने मुझे किडनैप किया था, एंड पीयूष मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आए हैं, उनके कहने पर मैं यहाँ पर आई हूँ, और मुझे वो बहुत डर है अंदर ही अंदर कि मुझे क्या करेगा। तो ड्रामा यही है कि वो मुझे यहाँ से ले जाएगा और धमकाएगा, डराएगा वापस। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल एक था राजा एक थी रानी में न्यू एंट्री वाली न्यूज के साथ। जी हां, टीवी स्टार इकबाल खान कर रहे हैं सीरियल में एंट्री। कैसा होगा उनका ये अवतार, आइए उन्हीं से जानते हैं। कैरेक्टर का नाम इकबाल खान है और ये बेसिकली एक ऐसा इंसान है जो औरतों की इज्जत करता है, लेकिन उसको ये लगता है कि औरतें प्रोटेक्ट होनी चाहिए। जैसे अगर उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ को डॉक्टर की ज़रूरत है तो 50 हॉस्पिटल डॉक्टर्स ले आएगा, लेकिन बोलेगा तुम मत जाओ उधर, मैं लेके आता हूँ। तो वैसा वाला थोड़ा उसका है वो, जो उसको लगता है कि औरतें शायद खुद कुछ नहीं कर सकती हैं, तो आपको उनके लिए सब कुछ करना है। वेल, सीरियल एक था राजा एक थी रानी में तो हो गया है इकबाल की एंट्री, और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे इकबाल बनेगा राजा रानी के बीच खलनायक, जिसकी एक झलक टेली टॉप अप लेकर आया है आपके लिए। इंटरेस्टिंग एक मोड आया हमारे शो में, एंड एक बहुत ही गुड लुकिंग इंसान आ रहे हैं इस शो में, और देखते हैं राजा रानी के प्यार। They know कौन आ रहा है, गुड लुकिंग इंसान मींस क्या होता है? अरे बता रहा हूँ ना, पता है तो ठीक है। ठीक है, सो राजा रानी के प्यार में देखो क्या होता है, क्या तब्दीलियाँ आती हैं। Maybe रानी उसी के साथ भाग जाए, छोड़ के। शायद रानी उसके साथ भाग जाए। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल बड़ो बहू में फाइनली हो गई है लकी और बड़ो की शादी। दोनों ने एक दूसरे को पहना दी है वरमाला और बंध गए हैं शादी के पवित्र बंधन में। देख लीजिए बड़ो और लकी की वरमाला की खास झलक। टीवी शो सावधान इंडिया को होस्ट कर रही हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन। विद्या अपनी फिल्म कहानी 2 को प्रमोट करने इस शो पर आई हैं। अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए विद्या ने सावधान इंडिया की होस्ट बनकर एक खास एपिसोड शूट किया और हमें बताई इस एपिसोड की कहानी। सावधान इंडिया जो है बहुत पॉपुलर है, का हाईएस्ट टीआरपी शो है, और आई थिंक देयर वाज नो बेटर शो टू प्रमोट कहानी 2 ऑन, क्योंकि कहानी 2 में मैं एक वांटेड क्रिमिनल का किरदार निभा रही हूँ। क्या मैं वो हूँ जो मैं दिखती हूँ, क्या मैं नहीं हूँ वगैरह वगैरह का खुलासा जो है फिल्म में होगा, पर इसमें हफ्ते दर हफ्ते किसी ना किसी क्राइम का पर्दाफाश हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक टाइप है, बहुत अच्छा एसोसिएशन है। स्वराग्नि की स्वरा अपना फ्री टाइम स्पेंड करने पहुंची सीरियल ससुराल सिमरका के सेट पर, जहां अंजलि ने दी उन्हें कंपनी। दरअसल स्वराग्नि और सिमर का शूट एक ही कंपाउंड में हो रहा था, और इसी का फायदा लेते हुए स्वरा ने अपने फ्री टाइम को सिमर के सेट पर जाकर किया स्पेंड। भाई आखिर रोज ऐसा मौका कहां मिलता है, क्यों स्वरा? वह एक तरफ जहां टीवी एक्टर धीरज धूपर यानी कि प्रेम कर रहे हैं सेलिब्रेट सीरियल में अपनी बेटी की संगीत सेरेमनी, तो वहीं रियल लाइफ में भी प्रेम यानी कि धीरज खुद की मैरिज को लेकर हैं काफी एक्साइटेड। मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया हूं कहीं ना कहीं कि कितना थकने वाला हूं मैं और क्या क्या प्रिपरेशंस होती हैं। यहां से एक प्रैक्टिस करके लेके जा रहा हूं सब कुछ कि कुछ भूलूंगा नहीं वहां पे, लेकिन उस शादी का मजा क्या जिसमें थोड़ी गड़बड़ ना हो। तो आई ऑलवेज बिलीव दैट यहां पे भी चल रही थोड़ी बहुत गड़बड़ वहां पे भी हो सकती है, बट आई मेक श्योर कि एवरीवन हूएवर इज कमिंग एंड अटेंडिंग द वेडिंग दे विल बी हैप्पी। सीरियल ये है मोहब्बतें की कास्ट शो में आगे आने वाले हाई पॉइंट ड्रामा की शूटिंग के लिए पहुंच चुकी है ऑस्ट्रेलिया, और वहां पहुंचते ही सबसे पहले पूरी कास्ट ने किया जमकर फोटो सेशन, और फैंस के लिए उन फोटोज को किया अपने सोशल हैंडल पर शेयर भी। कमिंग अप ऑन द शो, कैसे टीवी शोज में आ गया है जुदाई का सीजन। 30
मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। गुरमीत चौधरी 2008 में बनी रामायण में राम का किरदार निभाकर घर घर में फेमस हो चुके हैं और अब एक बार फिर गुरमीत बनने जा रहे हैं राम, लेकिन इस बार किसी टीवी शो में नहीं बल्कि लंदन के एक प्ले में। जी हां, लंदन के एक प्ले के लिए गुरमीत को ऑफर हुआ है राम का किरदार, जिसे लेकर गुरमीत हैं बेहद हैप्पी और एक्साइटेड कि दोबारा उन्हें मिल रहा है मौका राम बनने का। वेल सीरियल इश्कबाज में अनिका और शिवाय की लव स्टोरी तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आज हम आपके लिए ले आए हैं अनिका यानी कि टीवी एक्ट्रेस सुरभि चांदना की रियल लाइफ लव स्टोरी। जी हां, खबर है कि रियल लाइफ में सुरभि डेट कर रही हैं करण शर्मा को, जो कि एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं। दोनों एक दूसरे से करते हैं बेहद प्यार और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड भी करते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक झलक माइथोलॉजिकल शो संकट मोचन महाबली हनुमान की, जिसमें शुरू हो चुका है धर्म युद्ध। यह मोहब्बते में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब रमन और इशिता फिर से हो गए हैं जुदा। जी हां, रमन इशिता पर लगाता है इल्जाम और उसे भल्ला हाउस से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन इशिता को मिलता है रमन के फादर का साथ, जिसके बाद रमन घर छोड़ चला जाता है। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, इस सीक्वेंस के बाद आएगा शो में एक साल का लीप। लगता है टीवी पर के पॉपुलर टीवी शोज में जुदाई का सीजन 7 चल पड़ा है। यह है मोहब्बते में रमन इशिता की जुदाई की खबर से तो हमने आपको अपडेट किया ही था, और अब कुमकुम भाग्य के अभी प्रज्ञा के बीच भी आने वाली जुदाई वाली न्यूज से हम करते हैं आपको रिचार्ज। जी हाँ, प्रज्ञा ने मन बना लिया है हमेशा के लिए अभी की जिंदगी से दूर जाने का, और इसके लिए प्रज्ञा ने ठान लिया है कि वो शहर छोड़ कहीं और चली जाएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अभी प्रज्ञा को रोक पाता है या नहीं। ये रिश्ता में जहां अक्षरा और नैतिक हैं कंफ्यूज्ड, कार्तिक नायरा और गायू के रिलेशनशिप को लेकर, वहीं अक्षरा लेगी मिष्टी की मदद इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए। अपेरेंटली मिष्टी, जो कि कार्तिक के करीब है, वो फिर से कार्तिक और नायरा को एक करने में करेगी मदद। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस श्वेता सालवे के घर क्यूट बेबी गर्ल आने की न्यूज से तो हमने आपको अपडेट किया ही था, और श्वेता लगता है अपना मदरहुड फुल्ली एंजॉय कर रही हैं। श्वेता इन दिनों अपने हबी हरमीत और अपनी न्यूबॉर्न बेबी के साथ गोवा में स्पेंड कर रही हैं क्वालिटी टाइम, जिसकी पिक्स उन्होंने अपने सोशल हैंडल पर की शेयर। जल्दी ऑन एयर हो रहे टीवी शो त्रिदेविया की स्टोरी लाइन हो गई है रिवील, जहां इंडियन टीवी में पहली बार आपको तीन टीवी एक्ट्रेसेस ऐश्वर्या सखुजा, समायरा राव और शालिनी सहूता करती नजर आएंगी खूब सारा एक्शन। आइए अब आपको दिखाते हैं सीरियल बेहद के नए प्रोमो की झलक। और आइए अब बारी है फिर एक बार आपको बिग बॉस की बिग झलक से रिचार्ज करने की। तीस मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप।